नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो कि पिछली वीडियो के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे पास, और वो ये कि कई लोगों ने पूछा कि आपकी गाड़ी में जैसे आपने बताया कि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो 2-3 बार बंद करने पे बंद हो रहा है, ऐसा हर गाड़ी में आता है या नहीं आता है? क्या इग्निशन से बंद होने वाली गाड़ी में भी ऐसा होता है या नहीं होता है? और मेन क्वेश्चन ये था कि क्या होगा अगर गाड़ी गियर में हो, उस टाइम अगर गाड़ी का इंजन बंद हो जाए, गाड़ी चल रही है, स्पीड पे है, जो भी स्पीड पे चल रही हो और गाड़ी गियर में लगी हुई हो, तो उस टाइम क्या गियर बॉक्स को नुकसान पहुंचेगा? तो इस बारे में एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं मैं आपको कि क्या क्या होगा। और एक क्वेश्चन ये था कि अगर गाड़ी रिवर्स गियर में डाल दी जाए गलती से तो क्या होगा। तो चलिए पूरा का पूरा वीडियो बनाता हूं। अब मैं आपको पहले बताता हूं कि क्या होगा अगर आपका गाड़ी का इंजन बंद हो जाए और गाड़ी जो है वो ऑलरेडी किसी स्पीड पे हो और आपकी गाड़ी गियर में हो। सबसे पहले इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करके मैं आपको बताता हूं। आई होप आपको जो है गाड़ी के आरपीएम दिख रहे होंगे, स्पीड तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, आरपीएम दिख रहे होंगे, गियर दिख रहा होगा अभी यहाँ पे, और साथ में ये बटन भी दिख रहा होगा जिससे मैं इंजन को बंद करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे तो इंजन बंद होगा नहीं, गाड़ी खराब तो है नहीं अभी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अभी मेरी गाड़ी की स्पीड जो है वो है अराउंड 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो है थर्ड गियर में गाड़ी है। अब मैं बंद करने की कोशिश करता हूँ, क्लच से मैंने पाँव हटा लिया है और पहली ट्राई नहीं बंद होगा, दूसरे में भी नहीं होगा, तीसरे में बंद हो जाएगा। गाड़ी बंद हो गई है, आरपीएम दिख पा रहे हैं आपको, पूरे नीचे चले गए, अभी भी गाड़ी गियर में है, क्लच पे पाव नहीं है, लेकिन स्टॉल नहीं हो रही गाड़ी। एक पॉइंट तक ये चीज नहीं होगी, आपका गियर बॉक्स जो है वो साथ देता रहेगा, घूमता रहेगा, स्टॉल नहीं होने देगा गाड़ी को। एक जगह आके गाड़ी झटका खाने लगी, उससे पहले मैं गाड़ी के क्लच को दबा दूंगा। यहां पे गाड़ी आके आगे पीछे हो रही है तो मैंने यहां एक को दबा दिया, तो इस जगह तक आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके आगे भी अगर आप करने देते तो कोई मेजर नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इस चीज को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अवॉइड करो, ठीक है। उसके बाद स्टीयरिंग जो है जाम हो गया, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है। मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूं फिर से। अब आपकी जो दूसरी मेन क्वेरी थी वो ये थी कि अगर गाड़ी चल रही है और गलती से आपने रिवर्स में ले लिया तो क्या होगा। दोस्तों ये सिचुएशन बहुत ही डेंजरस हो सकती है, बहुत ही डेंजरस हो सकती है, आपका गियर बॉक्स पूरा का पूरा खराब हो सकता है, तो इस चीज को आप अवॉइड करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर गाड़ी में ऐसा होता है, कई गाड़ियों में ऐसा मैकेनिज्म भी होता है जो कि इस चीज को अवॉइड करता है। ऑटोमेटिक कार्स में जैसे आप गाड़ी को तब तक रिवर्स में नहीं ले जा सकते जब तक आपकी गाड़ी जो है वो एक हॉल्ट पे ना आई हो, लेकिन मैनुअल कार में तो ऐसा होता नहीं है, रिवर्स आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, सीधा गियर चेंज करो और कर दो। तो गलती से हुआ तो क्या होगा? देखो पहले तो सबसे पहले क्या होगा कि गाड़ी का जो रिवर्स गियर है वो उसकी पोजीशन इस हिसाब से अरेंज की जाती है कि बहुत मिनिमम चांसेस हो किसी मिस्टेक के। लेकिन कई गाड़ियां जैसे कि मेरी i20 पेट्रोल में सिर्फ 5 गियर्स है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और उसके बाद सिक्स्थ। तो कभी कभी मान लो आप फोर्थ गियर में डालते वक्त गलती से रिवर्स में चले जाओ, फिफ्थ से फोर्थ में आते वक्त, तो क्या होगा? गाड़ी कोई वार्निंग नहीं देगी आपको, लेकिन एक ऐसी आवाज आएगी आपको क्लच छोड़ते वक्त। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि नो मैटर कौन से गियर से कहाँ जा रहे हो आप, क्लच को हमेशा धीरे धीरे छोड़ें। इस आदत से क्या होगा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कि कैसे मैं कुछ सेकंड्स के लिए शांत हो जाऊंगा और गाड़ी को जो है थर्ड गियर से सीधा रिवर्स गियर में ले जाने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, मुझे पता है मैं क्या रिस्क ले रहा हूं, प्लीज आप लोग ये ट्राई मत करना। एक अजीब सी आवाज आएगी, वो आवाज आएगी गाड़ी के जो भी गियर्स है उनके आपस में टकराने की, क्योंकि जो है एक सारी की सारी जो एक पोजीशन में घूम रहे हैं और आप रिवर्स गियर एंगेज करके उसे एकदम उल्टी पोजीशन में घूमने वाले गियर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने गाड़ी को थर्ड गियर में है और मैं रिवर्स में ले जाने की कोशिश करता हूं, क्लच प्रेस किया, देखिए, ठीक है, एक सेकंड के लिए आपने देखा होगा ये भी ऑन हुआ, रिवर्स गियर एंगेज होने वाला था, लेकिन एक ऐसी आवाज आई जो कि जिससे आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ये किया तो मेरी गाड़ी यहीं की यहीं खड़ी रह जाएगी और मुझे 100-200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, इसके सर्विस सेंटर में सारा का सारा गियरबॉक्स चेंज करवाना पड़ेगा, जिसकी ना तो कोई इंश्योरेंस क्लेम होगी ना ही कुछ, और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। और मैं ये साफ तौर पर कह दूं कि आप ये जिंदगी में कभी रिस्क मत लेना। तो आई होप आपके दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हों कि गाड़ी अगर गियर में बंद हो जाए तो क्या होगा और चलती गाड़ी में अगर आप रिवर्स गियर लगा दें तो क्या होगा। दोनों ही चीजों को मत ट्राई कीजिएगा, फर्स्ट चीज इतनी हानिकारक नहीं है, सेकंड तो डेफिनेटली हानिकारक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई है। तो मैं आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।